नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग यू पी टीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है दोस्तों, हम लोग उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपल्सरी वाला पार्ट है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपका स्टैटिक्स में है, वो आपका सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस में जो आपका 12वां पॉइंट है, उसमें आप लोग यदि देखिए तो आपको इंडियन स्टैटिकल सिस्टम के बारे में दिखेगा। ISS के अंतर्गत आपको तीन बिंदुओं को पढ़ना है, जिसमें आपका पहला आज है ये आपका सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, फिर आपका दूसरा है NSSO, और फिर आपका यूपी के अंतर्गत आप लोग हैं तो आपका यूपी गवर्नमेंट के जो ब्यूरो ऑफ आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स है, उसके बारे में आपको समझना होगा। तो ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पे इन तीन घटकों को आपको समझना है। तो आज ये घटक हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ये दो आपके जो केंद्र के हैं, जो आपके केंद्रीय स्तर पर भी हैं, और ये आपका जो उत्तर प्रदेश के स्तर पर है दोस्तों, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों पहला टॉपिक जो आपका सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है, इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका एक कह सकते हैं कि हमारे जो देश में आपके भारतवर्ष में बहुत पहले से ही एक ऐसे संगठन, या कह सकते हैं एक ऐसे संगठन की सुझाव या कह सकते हैं ज़रूरत थी, जो आपके क्या हो, केंद्रीय स्तर पर डाटाओं को कलेक्शन कर सके, वो कि हर स्तर पर हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके ग्रामीण स्तर, और फिर आपके जिला स्तर, फिर आपके राज्य स्तर, और फिर एक केंद्रीय स्तर, हर स्तर पे डाटाओं का कलेक्शन हो, और उस डाटाओं का क्या हो दोस्तों, पब्लिकेशन हो, प्रकाशन हो। तो ये सुझाव या कह सकते हैं ये प्रस्ताव बहुत पहले से ही था। सर्वप्रथम आपका जो 1925 में दोस्तों आर्थिक समिति गठित की गई थी दोस्तों, तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का एक संस्थान बनाने का सुझाव दिया गया था। फिर उसके पश्चात दोस्तों वहाँ ये सफल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद ये आपका जो शाही कृषि आपका आयोग था, उसने भी इस तरह के संगठन के लिए क्या हुआ था दोस्तों, प्रस्ताव रखा था। तो अंततः दोस्तों आपका जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वो सर्वप्रथम आपका ये CSO के ये कह सकते हैं कि आपके इस नाम से ना होकर, आपके सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के नाम से ना होकर दोस्तों, एक इंस्टीट्यूट के नाम से सर्वप्रथम आपका इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आपका क्या था दोस्तों, 2 मई 1951 को ये इस्टेब्लिश किया गया। एज ए किसके अंतर्गत दोस्तों, आपके ये आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत ये क्या हुआ था दोस्तों, आपके इस्टेब्लिशमेंट आपका किया गया था। फिर आपका दोस्तों ये आपका जो उस टाइम था दोस्तों, वो CSO वाज क्या था दोस्तों, जैसे हमने भी बताया कि वो आपका सेंट्रल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट था, जिसे 1954 में क्या कर दिया गया दोस्तों, CSO कर दिया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, वो आपका ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस था, या सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों। फिर आपका अभी जो करेंटली इसका नाम है दोस्तों, वो आपका क्या था दोस्तों, ये तीसरी बार चेंज हुआ, और नाउ इट कॉल्ड एज अ सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। तो करंट में दोस्तों इसका नाम क्या है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है। सर्वप्रथम इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये क्या था दोस्तों, एक इंस्टीट्यूट था, फिर उसके बाद ये सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और आज करंट में ये क्या है दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है। तो ये तो दोस्तों इसके इस्टेब्लिशमेंट की चरण थी दोस्तों, समय समय पर, कि कैसे कैसे ये आपका नाम के प्रारूप में और चीज़ों में बदलाव हुआ है। अभी दोस्तों आप लोगों को करंट में मई में ही न्यूज़ मिली होगी 2019 में, कि आपका जो CSO है और आपका NSSO है, इन दोनों को मिला के क्या एक मर्ज करके आपका केवल NSO जैसा एक संगठन इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो कि आपके किस में रहेगा दोस्तों, MOSOP, मतलब कि दोस्तों आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेशन के अंतर्गत आपका ये दोनों आपके मर्ज होके NSO के अंतर्गत, और NSO आपका ये इसी आपके MOSPI के अंतर्गत ये आपका कार्यरत रहेगा। तो दोस्तों ये तो आपके CSO के आपके यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग समझ लिए दोस्तों। अगर अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें दोस्तों,
तो दोस्तों ये आगे बताया गया है कि आपका अब जो आपका CSO है या कह सकते हैं सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है इज गवर्नमेंटल एजेंसी इन द अंडर आपका जैसे हमने बताया आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन के अंतर्गत ये क्या है आपका कार्यरत है जो कि आपके भारत के सभी आपके जो स्टैटिकल एक्टिविटीज़ है उसके लिए क्या है जिम्मेदार है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके अभी अगर आपसे जानकारी ली जाए कि ये किसके अंतर्गत है दोस्तों तो आप MOSPI का नाम सुने होंगे तो इसी के अंतर्गत जिसने हम लोग फुल फॉर्म इसका क्या है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया है दोस्तों कि CSO आपका लोकेटेड है कहाँ पे दोस्तों दिल्ली में नई दिल्ली में दोस्तों और सम पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स वर्क आपका यहाँ पे जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है दोस्तों वो आपका उसका कहाँ पे है दोस्तों वो कलकत्ता में है। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो CSO का हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है बट आपका जो इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स का वर्क होता है दोस्तों उसका वो काम कहाँ होता है दोस्तों वो कलकत्ता में आपका है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग इसके स्टैटिक्स डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो ये तुम दोस्तों मुख्य बिंदु जो थे आपके सामने रख दिए हैं। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की या कह सकते हैं संगठन के बारे में बात करें तो इस CSO के अंतर्गत आपके कितने लोग आपके कार्यरत होते हैं या कह सकते हैं कितने लोग आपके संगठित रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इसका हेड होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों डायरेक्टर जनरल होता है ये आपके CSO का सबसे हेड होता है। फिर इसके अंतर्गत दोस्तों चार क्या होते हैं दोस्तों आपके एडिशनल डायरेक्टर्स जनरल होते हैं यानी आपके ADG जिन्हें कहते हैं वो आपके यहाँ पे चार ADG होते हैं। और फिर दोस्तों इसके आपके इन्हीं के नीचे आपके क्या होते हैं 4 डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं। फिर आपके 6 ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं दोस्तों और फिर 7 स्पेशल टास्क फोर्स है या कह सकते हैं ऑफिसर्स हैं और फिर आपके 30 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और साथ ही आपके 48 असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ है। तो यहाँ पे दोस्तों इनका जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है वो मुख्य रूप से आपको जो ध्यान देना है यहाँ पे आपको इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स कितने हैं इसको ध्यान देना है 5 यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 गलती से बोल दिए 5 एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और 4 आपके डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल्स हैं। इन तीन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं शामिल ये तो आप लोग के सामने है। अब अगर दोस्तों इसके डिविजन्स की बात करें जो इम्पोर्टेंट्स है दोस्तों तो इसको याद रखिए दोस्तों कि इसके मुख्य रूप से 5 एडिशनल आपके डिविजन्स हैं। और दोस्तों ये जो आपका क्या कह सकते हैं कि जो आपका CSO है वो आपका क्या होता है दोस्तों इन्हीं 5ों जो डिविजन्स हैं इन्हीं के अनुसार आपके सभी वर्क को क्या करता है फंक्शनेट करता है। मतलब कहने का तौर पर ये है दोस्तों कि इनके कार्यों को अलग अलग अनुभागों में बांट दिया गया है और इसी अनुभागों के अंतर्गत जो कार्य दिए गए होते हैं उसी कार्य को ये सारे अनुभाग या डिविजन्स अपने कार्यरत करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो आपका डिविजन्स है दोस्तों वो आपका नेशनल अकाउंट डिविजन्स है। अभी हम लोग उसमें देख इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स अभी देखेंगे आगे दोस्तों। और दूसरा आपका है सोशल स्टैटिक डिवीजन SSD जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर आपका इकोनॉमिक स्टैटिक डिवीजन है ESD और फिर आपका ट्रेनिंग डिवीजन है और लास्ट में आपका कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके 5 मुख्य डिवीजन्स हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। इनमें से 5ों का नाम आपको याद रखिएगा और 5ों के क्या कार्य हैं उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है दोस्तों नेशनल अकाउंट डिवीजन्स NAD जिसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके नेशनल अकाउंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कि जो आपके मुख्य रूप से जो इंक्लूडिंग यहाँ पे डोमेस्टिक या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP है इसके डाटाओं को बनाता है या कलेक्ट करता है। फिर आपका जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है भारत में उनके बारे में ये आपका क्या करता है डाटाओं को कलेक्ट करता है। फिर आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और अदर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एग्रीग्रेट हैं उनके बारे में ये डाटाओं को रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों नेशनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपका नेशनल अकाउंट डिवीजन बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों इसका जो आपका एनुअल पब्लिकेशन होता है इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस ये आपका जो टाइटल से पब्लिश करता है नेशनल अकाउंट स्टेटस के नाम से ये अपना एक एनुअल पब्लिकेशन पब्लिश करता है।
जिसमें आपका क्या होता है दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के सभी आपके नेशनल अकाउंट्स के ब्यौरे दिए गए होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका ये जो बिंदुए हैं इनके बारे में ये बताया गया रहता है। दोस्तों ये मुख्य रूप से जो बिंदु आपको दिख रहे हैं इसके अंतर्गत बहुत से यहाँ पे डाटाएँ रहते हैं, या कह सकते हैं बहुत से इसके अनुसूचियाँ रहती हैं, तो उतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको जो बिंदुए हैं उसको केवल आपको ध्यान देना है, क्योंकि CSO के अंतर्गत बहुत से कार्य प्रभाग हैं दोस्तों, तो सभी को आपको डिटेल्स में नहीं समझना है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप जो आपके यहाँ पे भी हमने देखा था MOSPI, इसकी वेबसाइट पे जाइए दोस्तों, तो CSO, NSSO सब के बारे में आपको डिटेल्स में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में ज़्यादा उलझना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है। फिर दोस्तों इसके जो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपका जो क्वार्टरली तिमाही आपका जो GDP का जो आप लोग पढ़ते होंगे, जो इसकी त्रैमासिक आपको GDP के बारे में पता चलता है, तो वो आपका ये एस्टिमेट करता है और उसका क्या करता है दोस्तों, करंट और कांस्टेंट प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके प्रिपरेशन करता है। फिर दूसरा आपका क्या है दोस्तों, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर था कि आपका जो फाइनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके बारे में ये आपका प्रिपरेशन करता है, जिसमें आपका कैपिटल स्टॉक और आपके कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है उसके बारे में ये रखता है। फिर आपका एस्टिमेशन ऑफ स्टेट वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ सुपर रिलीजन सेक्टर ऑफ रेलवेज, फिर कम्युनिकेशन, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो आपके कोर सेक्टर्स हैं, या कह सकते हैं जो मुख्य रूप से आपके मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी आपके यहाँ पे जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं उनके सभी आपके क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल आपका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में ये क्या करता है, डाटाओं को कलेक्ट करता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे इनपुट आउटपुट ट्रांजेक्शन टेबल्स, जिसे हम लोग IOTT कहते हैं, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेबल एस्टिमेट ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साथ ही आपका जो अलग अलग स्टेट है दोस्तों उनका भी दोस्तों स्टेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या करता है, एस्टिमेट करता है, उसको कंपेयर करता है सभी राज्यों के मध्य। तो इसका मुख्य रूप से दोस्तों ये पांच आपके यहाँ पे इसके एक्टिविटीज़ हैं डिवीजन्स के, इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले तो आप लोगों को पांच डिवीज़न याद रखना है दोस्तों, और फिर इस पांचों डिवीज़न के क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही इसका जो आपका पब्लिकेशन है इसको याद रखिएगा, नेशनल अकाउंट स्टैटिस के अंतर्गत ये अपने सभी ब्यूरो को पब्लिश करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका जो था ये आपका सोशल स्टैटिक डिवीजन, या जिसे हम लोग SSD भी बोलते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों, ये किन किन बिंदुओं पर ध्यान देता है। सबसे पहला आपका यहाँ पर जो बिंदु है दोस्तों वो आपका स्टैटिकल मॉनिटरिंग ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मतलब दोस्तों आपको SDG के बारे में पता होगा, जो आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, वो आपको क्या है कि भारत वर्ष और सभी जितने भी आपके विश्व के जो देश हैं जुड़े हुए, उनको 2030 तक कुछ गोल्स, 17 गोल्स बनाए गए हैं दोस्तों SDG के अंतर्गत। और उस SDG के अंतर्गत दोस्तों बहुत चीज़ें शामिल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत से ऐसे बिंदु हैं दोस्तों, और आपके जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनसे भी रिलेटेड, इकोनॉमिकल से भी रिलेटेड बहुत चीज़ें यहाँ पे 17 गोल्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों ये आपका एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों इसको क्या करना होता है दोस्तों, ये आपके सोशल स्टैटिक्स डिवीजन, मतलब कि दोस्तों जो आपके यहाँ पे जो आपकी स्थिति है, या कह सकते हैं जीवन यापन है लोगों का, उनसे रिलेटेड जो डाटा होता है, या कह सकते हैं मानव सूचकांक जैसे आपका होता है, उसी तरह आपके जो लोग या देश के लोग हैं उनके जो जीवन निर्वाह का आपका डाटा होता है, वो आपका जो डाटा कलेक्ट होता है वो किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, वो आपके यहाँ पे ये आपके सोशल स्टैटिक डिवीजन के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला पॉइंट यही दिया है कि स्टैटिकल मॉनिटरिंग मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अपना जो डाटा कलेक्ट होता है उसको ये क्या करता है दोस्तों, मॉनिटरिंग करता है, और इससे आपका कंपेयर करता है कि हम लोग किस स्तर तक गोल्स को पाने में आपका पहुँच पाए हैं। जैसे कि दोस्तों हर अलग अलग आपको डाटाओं में
भारत की क्या होती है रैंकिंग आपको देखने को मिलती है। तो उसी तरह दोस्तों ये भी क्या करता है दोस्तों, वो आपके देश के जो भी आपके मानव से जुड़े क्या होते हैं या सकते हैं समाज से जुड़े डाटा होते हैं उनको ये कलेक्ट करता है और उनको क्या करता है दोस्तों कंपेयर करता है ऐसे अलग अलग गोल्स या सूचकांकों से जो आपके क्या है वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। फिर आपका जो दूसरा यहाँ पे दोस्तों इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग और ग्रांट इन एड फॉर रिसर्च, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपके इन्वायरमेंटल जितने इकोनॉमिक अकाउंटिंग है मतलब आपके जो पर्यावरण से रिलेटेड है उन सभी आर्थिक गतिविधियों को भी क्या करता है ये अध्ययन करता है। फिर साथ ही आपका वर्कशॉप ये अटेंड करवाता है, सेमिनार अटेंड करवाता है आपको स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स के बारे में जानकारी देने के लिए। साथ ही आपका नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी ये क्या करता है दोस्तों आपके जो सांख्यिकीविद होते हैं उनको ये देता है जो क्या कहते हैं सांख्यिकी में या देश में योगदान देते हैं देश के विकास में उनको। फिर आपका नेशनल डाटा बैंक ऑन सोशलाइजेशन कैटेगरीज, और ये आपका साथ ही दोस्तों एक नेशनल डाटा बैंक भी बनाता है, मतलब कि जो आपके भारत के जो नेशनल डाटा बैंक का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जितनी भी सूचनाओं को एकत्र किया जाता है वो इन्हें संभाल के क्या करता है दोस्तों रखता भी है भविष्य के लिए भी। तो दोस्तों ये आपका ये क्या है एक जैसे कि आपका बैंक होता है वैसे आप उसमें पैसा रखते हैं, तो ये आपका डाटाओं को क्या करता है दोस्तों जो भी आपके रिसर्च के लिए क्या होते हैं काम आते हैं तो वो अपने डाटाओं को एकत्र करके रख के संग्रह करता है। फिर आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लोकल लेवल डेवलपमेंट, जैसे कि दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है शुरू शुरू में कोई प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना पड़ता है तो वहाँ पे पायलट स्कीम को लॉन्च करने का भी काम उसका देख रेख का काम कौन करता है दोस्तों ये आपके सोशल स्टैटिक डिवीजन के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे टाइम टाइम पे सर्वे करता है और फिर रिलीज रेगुलर और आपके यहाँ पे पब्लिकेशन भी पब्लिश करता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसके सोशल स्टैटिकल डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों जो थर्ड था आपका वो आपका क्या है इकोनॉमिक स्टैटिक्स डिवीजन, तो ये दोस्तों आपके जितने भी औद्योगिक और आपके आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए डाटा होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग शुरू में देखें आपका ये सोशल जो स्टैटिक्स है ये आपके क्या होता है मानवीय जीवन सूचकांकों जीवन निर्वाहों के रिलेटेड जितने भी सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड डाटा होते हैं वो इसके अंतर्गत होता है। फिर हमने शुरू में नेशनल अकाउंट डिवीजन देखा था दोस्तों जो आपके भारतवर्ष के जो आपके क्या होते हैं दोस्तों अकाउंट होते हैं या कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर के जो आपके क्या होते हैं खाते होते हैं उनका ये क्या करता है दोस्तों ये आपका डाटाओं को रिसर्च करता है और पब्लिश करता है। ये आपका सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, पर आपका जो इकोनॉमिक स्टैटिक डिवीजन है ये आपके औद्योगिक और आर्थिक रूप से जितने भी डाटाएँ होती हैं वो इसके अंतर्गत कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए मुख्य बिंदुओं में दिया है कि इकोनॉमिक सेंसस, फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक सेंसस आप लोगों को पता होगा जो आपका क्या है ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कंपाइल किया जाता है। फिर आपका एनर्जी स्टैटिक्स है दोस्तों कि कितने आपकी एनर्जी देश में वहन हो रही है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कैसा स्टैटिक्स या जो आपके जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि हमारे यहाँ कितने स्तर पे क्या हो रहा है दोस्तों कोल से बिजली आपकी बनाई जा रही है, कितने स्तर पे आपके आपके जो सौर ऊर्जा है या सौर से फिर पवन है ऐसे करके दोस्तों जितनी भी आपकी एनर्जी स्टैटिक्स है या कह सकते हैं कितना विदोहन किस सेक्टर में किया जा रहा है तो ऐसे रिलेटेड जितने भी डाटा होते हैं दोस्तों वो आपके इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर आपका जो नेशनल क्लासिफिकेशन है दोस्तों ये भी आपके इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं और साथ ही आपका नेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक स्टैटिक्स डिवीजन है ये औद्योगिक जगत से जुड़ी ही जितनी भी डाटाएँ होती हैं वो इसको यहाँ पर एकत्र करता है और अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर आपका यहाँ पे लास्ट में ये सेकंड लास्ट में यहाँ पे ट्रेनिंग डिवीजन है, तो दोस्तों साथ ही ये अपना एक ट्रेनिंग डिवीजन भी रखा हुआ है जो क्या करता है दोस्तों अलग अलग स्तर पर आपके जितने भी मैन पावर होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे डाटाओं को कलेक्ट करना है, कैसे डाटाओं का एनालिसिस करना है, उसका डिसमिनेशन कैसे करना है, किस उद्देश्य से कैसे डाटाओं को रखना है। तो ये सभी चीज़ों के लिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग डिवीजन भी बनाया गया है दोस्तों जो आपके क्या होते हैं दोस्तों
आपके राष्ट्रीय स्तर और जितने भी स्तर हैं यहाँ पे दोस्तों, हर स्तर पे ये ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है। फिर दोस्तों लास्ट में आपका जो है ये कोऑर्डिनेशन इन पब्लिकेशन डिवीजन। तो दोस्तों ये सभी जो आपके अलग अलग यहाँ पे डिवीजन्स हैं, इसमें क्या करता है, ये आखिरी में यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है और साथ ही एक सार रूप में दोस्तों एक पब्लिकेशन या कह सकते हैं सभी लोगों का जो रिपोर्ट होता है उसको एक सार में रख कर यहाँ पे रिपोर्ट भी पब्लिश करने का काम ये करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके यहाँ पे जो CSO के डिवीजन्स हैं ये कार्य करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे डिवीजन्स को भाग या कह सकते हैं विभागों में बांट दिया गया है, जैसे कि सभी सेक्टर अपने अलग अलग सेक्टर के चीज़ों को पूर्ण ही रूप से यहाँ पे डाटाओं को कलेक्ट करें और उसका सही रूप से निरूपण कर सकें। तो दोस्तों आशा है ये आपके CSO के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक किया करिए दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होमनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होमनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।